नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं HCN न्यूज। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी 20 खबरों पर। ओवैसी ने भरी हुंकार, फिर करूंगा चुनाव प्रचार, ऐसे हमले मुझे नहीं रोक सकते, मुझे नहीं चाहिए जेड सुरक्षा, आरोपियों पर लगाई जाए UAPA। लोकसभा में बोले असदुद्दीन ओवैसी। लोकसभा में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर जमकर हमला बोलते हुए अपनी बात रखी और जेड सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे जेड सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन आरोपियों पर UAPA लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे गोली कबूल है, लेकिन घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता। 3 मंत्रों के कवच पहनकर चुनाव में उतरे योगी आदित्यनाथ। पहला दुश्मनों का विनाश, दूसरा खुद की सुरक्षा, तीसरा प्रभु की कृपा से जीत हासिल करने के लिए। पहली बार विधायक के चुनाव में उतरा सीएम योगी का हिंदुत्व कार्ड। राम मंदिर और धारा 370 का किया जिक्र। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से नामांकन किया। इससे पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। इस बीच उनके साथ केंद्र गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज भाजपा के नेता रहे मौजूद। वेस्ट यूपी में पीएम मोदी का वर्चुअल दाव, सपा पर बोले गंदी राजनीति कर रहे कागजी समाजवादी। पीएम मोदी ने कहा कि मोटा अनाज का सीधा अर्थ है छोटा किसान। 5 साल के पहले पूर्व की सरकार किसानों तक केंद्र की योजनाओं को नहीं पहुंचाने देते थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन सब तरीकों को बदल दिया। बीजेपी 6 फरवरी को जारी करेगी अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र। गोरखपुर से नामांकन करने के बाद बोले सीएम योगी। गोरखपुर में नामांकन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर इस बार चुनाव में उतर रही। सीएम योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। 300 सीटों को पार लगाने का लिया संकल्प। सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में नामांकन से पहले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। अमित शाह बोले मुख्तार अंसारी, आजम खान और अतीक अहमद भाजपा सरकार में गए जेल। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के नामांकन समारोह से पहले जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा अखिलेश बाबू भाजपा की सरकार में ही मुख्तार अंसारी, आजम खान और अतीक अहमद को बीजेपी ने जेल पहुंचा दिया। इनके बाहर आने के अब कोई आसार नहीं है। अमरोहा में बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान, सपा सरकार ने दंगा पीड़ितों को सहारा नहीं दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने धर्म और आधार पर नफरत फैलाने पर भी निशाना साधा। गरीबों और मजदूरों के हित में कार्यक्रम को बीजेपी सरकार की ओर से पूरा नहीं किए जाने की बात भी रखी। उरई में जेपी नड्डा का सपा बसपा पर बयान, वे काम नहीं गिनते, करते हैं मकान पर कब्जा। अखिलेश यादव और चौधरी जयंत सिंह पर FIR, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सिंह के खिलाफ दादरी में FIR दर्ज कराया गया है। उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। समाजवादी विजय यात्रा में भारी भीड़ उमड़ने के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। केजरीवाल ने भांजे की गिरफ्तारी पर चन्नी को घेरा, बोले ऐसे व्यक्ति को कोई CM बनाना चाहेगा जिस पर रेट चोरी और ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत के आरोप हो। पंजाब के सीएम चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी बोली, सरकार एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने बोला है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद MSP पर समिति बनाने की घोषणा करेगी सरकार। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, निफ्टी 17,900 के करीब हुआ बंद। 12 मार्च को होने वाली NEET PG 2022 परीक्षा टली, जल्दी होगी दूसरी डेट का ऐलान। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नीट परीक्षा 2022 को अभी 6 से 8 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, पेट्रोल और डीजल के नए दाम हुए जारी। कच्चे तेल के दाम $51 के पार। सोना हुआ महंगा, चांदी का भाव 500 रुपए से ज्यादा टूटा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम गिरकर $1,800 प्रति औंस, जबकि चांदी की कीमतों में $22.55 प्रति औंस रही। अभी सर्दी से नहीं मिलेगी राहत, सर्दी ने ढाया सितम। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल में भारी बर्फबारी, पंजाब हरियाणा में बारिश के साथ चल सकती है तेज हवाएं। BSNL के कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने 44 करोड़ का दिया तोहफा। जबकि निजी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने 5G लॉन्च करने की तैयारी, तो वहीं BSNL को 4G की याद आई। BSNL को संकट से डूबने के लिए सरकार ने बड़ा निर्देश जारी किया। सागर धनखड़ हत्याकांड, सुशील कुमार ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका। दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के दिए निर्देश। ये तो थी आज की बड़ी 20 खबरें। ऐसे ही सत्य और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।